सके वो पीएम बनने जाएंगे, जिनसे एक प्रदेश नहीं संभल रहा वो देश का नेतृत्व करने जाएंगे। तमाम अराजक परिस्थिति आने वाले दिनों में बिहार को मध्यवर्ती चुनाव की ओर लेकर जाएगी। चीजों पे बहस हो रही है तो इसका मतलब बिहार के ज्वलंत विषयों से आप ध्यान भटका रहे हैं। क्यों नहीं बक्सर की बात हो रही है, क्यों नहीं किसानों की बात हो रही है, क्यों नहीं छात्रों की बात हो रही है, क्यों नहीं पेपर लीक की बात हो रही है, क्यों नहीं सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों की बात हो रही है, क्यों आज की तारीख में रामचरितमानस के ऊपर ये लोग बहस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का ये प्रयास हो रहा है, ये दिखाता है कि भाई गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उसके बाद जो सियासी गर्मी है वो काफ़ी तेज देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि जानबूझकर रामचरितमानस को एक ज्वलंत मुद्दा बनाया गया ताकि जो छात्रों की आवाज़ जो अभ्यर्थियों की आवाज़ है वो दब जाए। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से आज बिहार में अराजकता का माहौल बना है तो कहीं ना कहीं मध्यवर्ती चुनाव की ओर बिहार अग्रसर हो गया। क्या कुछ कर रहे हैं चिराग पासवान, अब देखिए इस वीडियो में। एकमात्र परिवर्तन वजह है कि बिहार मध्यवर्ती चुनाव की ओर अग्रसर होगा और ये तमाम अराजक परिस्थिति, भले वो राजनीतिक हो, वो सामाजिक हो, या वो बिहार की हो या बिहारियों की हो, तमाम अराजक परिस्थिति आने वाले दिनों में बिहार को मध्यवर्ती चुनाव की ओर लेकर जाएगी। सवाल यह है कि लगातार जेडीयू में ही घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जेडीयू पीछे जा रही है, तो ललन सिंह कह रहे हैं नहीं, जेडीयू में सब कुछ ठीक है। क्या लग रहा है, खरमास के बाद सही में कुछ बदलेगा भाई? जेडीयू में बचा क्या है, जेडीयू पार्टी बची है क्या भाई? जिस पार्टी के नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद अपना उत्तराधिकारी किसी दूसरे दल के नेता को मानते हों, ऐसे में उस दल का अस्तित्व बचता कहाँ है, या उस दल में ही कुछ बचता कहाँ है भाई? जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में एक समाप्त खत्म पार्टी है पूरी तरीके से, और उसके नेता ने खुद ही किसी दूसरे दल के नेता को अपना नेता मान लिया, तो ऐसे में उनके पार्टी के नेताओं के बयानबाजी का कोई मतलब बचता नहीं। मध्यवर्ती चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि 2025 में तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे, तो क्या लगता है 2025 तक ये दोनों एक दूसरे के साथ जाएंगे? पहले तो यही स्पष्ट कर दें, जिस तरीके से आपसी मतभेद इन लोगों के देखने को मिल रहे हैं विभिन्न विषयों पर, और भाई रामचरितमानस को लेकर आपस में गठबंधन में जिस तरीके से दरारें खुलकर स्पष्ट रूप से सामने आई हैं, ऐसे विषयों पर जब अगर एकजुटता नहीं है गठबंधन के भीतर, तो बाकी विषयों पर क्या होगी? और दुख इस बात का है कि इन तमाम विषयों में बिहार के ज्वलंत विषय तो गुम होते जा रहे हैं ना। क्या आज की तारीख में बहस की कोई गुंजाइश बचती है रामचरितमानस में? भैया आस्था का विषय, इस पे बहस हो ही नहीं सकती है, बात खत्म। पर अगर उसके बाद अगर इन चीज़ों पर बहस हो रही है तो इसका मतलब बिहार के ज्वलंत विषयों से आप ध्यान भटका रहे हैं। क्यों नहीं बक्सर की बात हो रही है, क्यों नहीं किसानों की बात हो रही है, क्यों नहीं छात्रों की बात हो रही है, क्यों नहीं पेपर लीक की बात हो रही है, क्यों नहीं सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों की बात हो रही है, क्यों आज की तारीख में रामचरितमानस के ऊपर ये लोग बहस कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का ये प्रयास हो रहा है, ये दिखाता है कि भाई गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, और जब गठबंधन में ठीक नहीं है तो इसके बाद मध्यवर्ती चुनाव के अलावा अब और कोई विकल्प बचता नहीं। सके वो पीएम बनने जाएंगे, जिनसे एक प्रदेश नहीं संभल रहा वो देश का नेतृत्व करने जाएंगे। हाँ ठीक है भाई, सपना देखने का अधिकार हर किसी का। तो अभी आपने देखा जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, उन्होंने साफ साफ कहा कि रामचरितमानस एक आस्था का चीज़ है, लेकिन जानबूझकर इसे ज्वलंत मुद्दा बनाया गया है ताकि जो छात्र हैं जो अभ्यर्थी हैं उनकी आवाज़ दब जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर जदयू और राजद में तकरार देखने को मिल रही है, दोनों एक दूसरे पर हमलावर है, तो इससे साफ साफ है कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होने के लिए बिहार अग्रसर है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिस मुख्यमंत्री से प्रदेश नहीं संभल रहा है वो मुख्यमंत्री देश का क्या नेतृत्व करेंगे, और भी क्या कुछ कर रहे थे चिराग पासवान, अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।